इस सेशन का नाम है हैशटैग आस्क मंदार। आपके मन में कुछ भी स्टॉक रिलेटेड क्वेरी हो तो इस वीडियो के कमेंट्स में पोस्ट कर दीजिए। नेक्स्ट वीक जो वीडियो अपलोड होगा उसमें हम क्वेरी वो सॉल्व कर देंगे। तो ये व्यूअर्स क्वेरीज इस सेशन में सॉल्व होती हैं। मेरा नाम है मंदार जामसांडेकर और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब सेशन में। अब जो फर्स्ट क्वेरी है वो हमें भेजी है कमलेश जी और जितिन जी ने, और वो पूछते हैं क्रूड के बारे में। तो क्रूड का व्यू क्या होगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होंगे, उसके बारे में ये पूछते हैं। तो चलते हैं क्रूड के चार्ट पे। अब ये जो क्रूड का जो चार्ट मैंने खोला हुआ है वो है नियर मंथ का, जो नियरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट है क्रूड का MCX का, उसका चार्ट मैंने खोला हुआ है और यहां पे मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स प्लॉट की है। तो कमलेश जी, जितिन जी, आप यहां पे देख सकते हो पिछले 6-7 महीने का चार्ट मैंने खोला हुआ है। जो रेड कलर की लाइंस है वो एक रेजिस्टेंस बन रही है क्रूड के लिए। पिछले 6 महीनों से ये आपको दिखेगा कि यहां पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ था, यहां पे रेजिस्टेंस बना हुआ था, वो सेम लेवल है ना, यहां पे भी रेजिस्टेंस का काम कर रही है। तो एक रेजिस्टेंस बैंड बना हुआ है क्रूड के लिए बिटवीन 4170 और 4270 के बीच में। नीचे में अगर आप देखो तो ये जो लेवल है ब्लू कलर की हॉरिजॉन्टल लाइन जो मैंने प्लॉट की हुई है 3950 की लेवल, वहां पे एक सपोर्ट बना हुआ है। तो फिलहाल आप देखो तो ये एक रेंज में क्रूड ट्रेड कर रहा है। ये अगर ब्रेक करता है ऊपर की तरफ तो व्यू चेंज होगा, ये जब सपोर्ट नीचे में ब्रेक करेगा तब फिर से व्यू चेंज हो सकता है, लेकिन तब तक ये व्यू इसका है कि ये रेंज बाउंड है, 3950 का सपोर्ट है और ऊपर में 4170 से लेके 4270 का रेजिस्टेंस बना हुआ है क्रूड में। तो ये लेवल्स आप वॉच कीजिए और इसके हिसाब से आप एक अच्छा डिसीजन लीजिए, आपकी जो पोजीशन होगी या आपको जो ट्रेड लेना हो उसके हिसाब से आप एक पोजीशन बना सकते हैं। अब अगली जो क्वेरी है वो हमें भेजी है भूपेंद्र यादव जी ने और वो पूछते हैं ट्यूब इन्वेस्टमेंट के बारे में। अब भूपेंद्र जी, अब अगर आप ये ट्यूब इन्वेस्टमेंट का चार्ट देखो तो एक अच्छे खासे अपट्रेंड से गुजरने के बाद ये आपको यहां पे दिखेगा बिटवीन 2013 से लेके 2017, इसमें एक अच्छी खासी अपमूव देखने को मिली। तो यहां 100 रुपए के लेवल से ये स्टॉक 850 की लेवल तक ये बढ़ चुका है। तो एक अच्छी खासी आपको यहां पे ये इन 4 सालों में बिटवीन 2013 एंड 17 एक तेजी यहां पे देखने को मिली है। अब इतनी बड़ी मूव के बाद नॉर्मली एक स्टॉक एक कंसोलिडेशन में से गुजरता है और वो आपको यहां पे दिखेगा। अब इसमें सपोर्ट कहां पे बनता है, तो 450-400 की लेवल पे इसमें सपोर्ट बनता है। ये है लॉन्ग टर्म चार्ट। अब मंथली चार्ट के बाद हम आते हैं डेली चार्ट पे। अगर आप ये डेली चार्ट देखो तो यहां पे आपको दिखेगा ये लेवल जहां पे इसमें सपोर्ट बना हुआ है 400 से लेके 450 की ये लेवल है। एग्जैक्टली मैं आपको दिखाता हूं, जूम आउट करता हूं ये चार्ट को, तो यहां पे आपको दिख जाएगी ये दो जो दो हॉरिजॉन्टल लाइंस मैंने प्लॉट की हुई है, ये यहां पे आपको दिखेगी कि ये यहां पे एक सपोर्ट बना हुआ है। तो ये करेक्शन से गुजरा है और फिलहाल अगर आप यहां पे देखो तो ये एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। अब इसमें अगर अपमूव आनी हो तो इसे ये जो रेजिस्टेंस है इसे यहाँ पे बिटवीन 500 एंड 530-540 के लेवल्स पे ये जो रेजिस्टेंस है इसे ये ब्रेक करने जरूरी है। ये जब कब ब्रेक होंगे तब हम इस पे एक रिव्यू जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये पहला इंडिकेशन होगा एक फ्रेश अपमूव स्टार्ट होने के लिए। लेकिन फिलहाल स्टॉक सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है 400-450, ये जो सपोर्ट लेवल है ये वॉच कीजिए किस तरीके से रिएक्ट करता है, ये सस्टेन होता है नहीं होता है, ये आपको फिलहाल तो देखना है। तो अगर देखा जाए तो अगले कुछ दिनों में शायद ये स्टॉक ये रेंज में
ट्रेड करेगा, सो 400 450 विल एक्ट एज अ सपोर्ट और ऊपर में 500 और 550 विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। तो ये एक रेंज बाउंड ट्रेड करेगा अगले कुछ दिनों के व्यू से। अब अगली जो क्वेरी है वो हमें भेजी है विवेक चौहान जी ने और वो पूछते हैं इंडिगो के बारे में। अब इंडिगो एक अच्छे खासे अपमूव में से गुजर रहा था और सडनली वो जो उनके बिजनेस में जो कॉन्फ्लिक्ट्स, प्रमोटर्स में जो बिजनेस कॉन्फ्लिक्ट्स, आइडियाज के कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, उसमें ये एक फिर से वो जो अपमूव थी वो फिजल आउट हो चुकी है। अब ये अगर लॉन्ग टर्म चार्ट से स्टार्ट करते हैं तो आपको यहां पे दिखेगा लॉन्ग टर्म चार्ट पे कि ये स्टॉक एक अपमूव के बाद फिलहाल पिछले 3 महीनों से ये करेक्शन में से गुजर रहा है। अब ये यहां ये लेवल पे इस स्टॉक में एक सपोर्ट भी है, सो ये 1270 और 1260 का एक सपोर्ट लेवल है यहां पे आपको दिखेगा। तो ये फिलहाल तो स्टॉक उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो ये लेवल वॉच करना जरूरी है। अगर ये लेवल रिस्पेक्ट होता है तो अच्छी बात है, ये अगर टूटता है तो स्टॉक खराब हो जाएगा। अब ये तो लॉन्ग टर्म का चार्ट है, अब आते हैं शॉर्ट टर्म चार्ट पे, डेली चार्ट पे, यानी शॉर्ट टर्म व्यू बन पाए। अब यहां पे आपको दिखेगा ये लेवल कौन सी है, तो ये यहां पे आपको दिखेगी ये सपोर्ट लेवल है। तो 1260 1270 की जो ये सपोर्ट लेवल है ये रिस्पेक्ट होनी जरूरी है। पिछले दो ढाई महीनों से ये स्टॉक फिलहाल तो एक डाउनवर्ड करेक्शन में, तो ये लेवल वॉच कीजिए किस तरीके से ये स्टॉक रिएक्ट करता है एट सपोर्ट लेवल्स, वो देखना इंपॉर्टेंट है। तो ये इंडिगो फिलहाल तो वीकनेस के साथ ट्रेड कर रहा है और कुछ दिनों में इसमें वीकनेस रहेगा, सपोर्ट वॉच कीजिए। अब अगली जो क्वेरी है वो हमें भेजी है उमेश वैष्णव जी ने और वो पूछते हैं वोखार फार्मा और टेक सॉल्यूशंस के बारे में। वोखार उन्होंने 250 रुपए में बाय किया हुआ है और टेक सॉल्यूशन 102 रुपए में बाय किया हुआ है। तो हम चलते हैं पहले तो टेक सॉल्यूशंस के चार्ट पे। अब यहां पे मैंने टेक सॉल्यूशन का लॉन्ग टर्म का चार्ट खोला हुआ है। अब यहां पे आपको दिखेगा ये जो दो हॉरिजॉन्टल लाइंस मैंने प्लॉट की हुई है वो है 85 से लेके 90 रुपीस की लेवल पे, ये एक सपोर्ट है स्टॉक के लिए। तो 2015 में जब इसमें एक करेक्शन हुआ था तो यहां से स्टॉक ने बाउंस बैक किया था। फिर से अगर आप यहां पे देखो तो यहां पे भी उसने सपोर्ट ये रिस्पेक्ट किया हुआ है, लेकिन अभी तक उसमें स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है। तो ये लेवल वॉच कीजिए 90 और 85 का, इसमें अगर स्ट्रेंथ आती है सपोर्ट लेवल पे, फिलहाल तो रिस्पेक्ट कर रहा है लेकिन स्ट्रेंथ आनी जरूरी है अपमूव के लिए। तो एक बात जरूरी है कि आपके ऑलरेडी इसमें पोजीशन है, ये 85 का सपोर्ट है, इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर इन्वेस्टमेंट की व्यू है तो मंथली बेसिस पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 85 के नीचे, यानी क्या अगर ये 85 ब्रेक होता है नीचे की तरफ ऑन मंथली क्लोजिंग बेसिस तो ये स्टॉक खराब हो जाएगा, ये ध्यान में रखिए। ये मंथली चार्ट था, अब ये सेम चार्ट को हम डेली करते हैं, यानी एक शॉर्ट टर्म व्यू बनेगा। अब ये अगर आप चार्ट देखो तो यहां पे आपको वो लेवल्स दिखेंगी, ये देखिए ये लेवल है कि जहां पे वो कंटिन्यूस उसे सपोर्ट मिल रहा है, तो ये लेवल वॉच करना जरूरी है। तो 85 के नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए ऑन मंथली क्लोजिंग बेसिस, ये है टेक सॉल्यूशंस। दूसरा जो आपका स्टॉक है वो है वोखार फार्मा। अब वोखार का अगर आप चार्ट देखो तो फिलहाल सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है, ये 230 और 245 का ये जो दो हॉरिजॉन्टल लाइंस मैंने प्लॉट की हुई है ये सपोर्ट बनती है। तो 230 का जो सपोर्ट है वो एक इंपॉर्टेंट लेवल है, वो अगर ब्रेक होता है तो स्टॉक खराब हो जाएगा। आपकी जो कुछ पोजीशन है उसमें इसके नीचे का स्टॉप लॉस रखिए, रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर एक अपमूव आनी हो तो ये सपोर्ट पे स्ट्रेंथ दिखाना जरूरी है। अब यहां पे आप देख सकोगे कि पिछले 3-4 महीनों में इस स्टॉक ने ये सपोर्ट से यहां पे एक बाउंस बैक दिखाया, इसका मतलब क्या है कि ये स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश की है, लेकिन क्या हुआ उसके बाद में ये मूव फिजल आउट हो गई।
यहां से फिर से एक बार उसने बाउंस बैक करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मूव फिजल आउट हो गई। और ये 3 महीनों के बीच में आप एक और चीज नोटिस कर पाओगे कि ये जो मूव मिली थी तो उसने यहां पे टॉप बनाया था, उसके बाद वाली जो मूव मिली है उस केस में एक नीचे वाला टॉप बनाया, एक लोअर टॉप बनाया। इसका मतलब है इसमें वीकनेस है, तो इसलिए अब ये सपोर्ट आपने वॉच करना जरूरी है क्योंकि आपकी पोजीशन है इसमें। ये सपोर्ट अगर ब्रेक होता है तो स्टॉक और वीकनेस के साथ ट्रेड करेगा, ये ध्यान में रखिए। तो ये लेवल वॉच जरूर कीजिए। ये था व्यू वोखार फार्मा के बारे में। अब अगली जो क्वेरी है वो हमें पूछी है सुशांता मोहपात्रा जी ने, और वो पूछते हैं सिमेंस और गॉडफ्री फिलिप्स के बारे में। अब सुशांता जी, ये जो गॉडफ्री फिलिप्स का जो चार्ट है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मैंने कुछ दिनों पहले इस गॉडफ्री फिलिप्स पे एक वीडियो अपलोड किया हुआ था, हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रेंडलाइन ब्रेकआउट फेलियर्स। तो जो ट्रेंडलाइन ब्रेकआउट्स होते हैं उसमें अगर फेलियर होना हो तो वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, और उस वीडियो में मैंने किस स्टॉक का एग्जाम्पल लिया हुआ है, तो आप वो वीडियो जरूर देखिए। उसमें मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है विद रीजंस कैसे, क्यों मुझे लगता है कि ये जो इसने यहां पे ब्रेकआउट दिखाया था ट्रेंड लाइन पे, वो ब्रेकआउट फेल क्यों होगा, और आपको वैसे ही दिखेगा कि अगला जो कैंडल है उसमें वो फिजल आउट होते हुए मूव दिख रहा है। तो आप वो वीडियो जरूर देखिए, उसका जो लिंक है अब यहां पे आ जाएगा। अब आपकी जो दूसरी क्वेरी है वो है सिमेंस के बारे में। अब अगर सिमेंस का अगर चार्ट देखें तो लॉन्ग टर्म चार्ट तो ऊपर दिख रहा है, आपको क्लियरली दिखेगा कि अप ट्रेंड में है। मैंने यहां पे एक ब्लू कलर की एक ट्रेंड लाइन प्लॉट की हुई है, स्टॉक फिलहाल तो उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ये लेवल बनता है 1400 से लेके 1430 के बीच में, तो ये यहाँ पे एक सपोर्ट है। जब तक 1400 और 1430 के ऊपर रहता है तब तक ये अप ट्रेंड इंटैक्ट होगा। 1400 अगर ब्रेक होता है नीचे की तरफ और उसके नीचे अगर ट्रेड करना शुरू होता है तो इसमें वीकनेस आएगा, तो उस केस में हम रिव्यू करेंगे स्टॉक। लेकिन जब तक 1400 के ऊपर रहता है तब तक अप ट्रेंड बरकरार है। तो ये रही आपकी क्वेरीज गॉडफ्री फिलिप्स और सिमेंस के बारे में। इसी तरह आपके भी मन में अगर कुछ भी क्वेरी हो तो वो क्वेरी मन में मत रखिए, वो क्वेरी पूछ लीजिए इस वीडियो के कमेंट्स में, उसे पोस्ट कर दीजिए। नेक्स्ट वीक जो वीडियो अपलोड होगा उसमें हम वो क्वेरी डिस्कस करेंगे और वो क्वेरी सॉल्व कर देंगे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि नॉलेज इंक्रीजेस बाय शेयरिंग। आपने मुझे इस वीडियो में ज्वाइन किया इसलिए आपका धन्यवाद। आपका मंदार जामसांडेकर।